चैनल फिर ना इस पे सर विश्वर फोर्स का शेयर कैसा है, क्या ये शेयर यहाँ से एक रिटर्न दे सकता है, कंपनी कैसा है सर विश्वर फोर्स का। देखिए सर विश्वर फोर्स में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रहा है सर विश्वर फोर्स में, और हो सकता है कि ये शेयर में आगे चल के एक रिटर्न देखने को मिले। सर विश्वर फोर्स के ओर से, कंपनी के प्रमोटर्स के ओर से एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ यहाँ पे, मतलब जो बोल सकते कि सर विश्वर फोर्स के ओर से एक बहुत बड़ा जो है चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। हो सकता है कि इसके चलते थोड़ा बहुत मतलब कंपनी जो आगे चल के ग्रो करे। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए सर विश्वर फोर्स के शेयर में, क्या ये शेयर यहाँ से आगे एक रिटर्न दे सकता है, कंपनी सर विश्वर फोर्स का फंडामेंटली कैसा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों सर विश्वर फोर्स को लेकर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपको प्रोवाइड किया जाए। रिक्वेस्ट करते वीडियो पे पूरा बने रही, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पी नवाइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। सर विश्वर फोर्स का शेयर जो है दोस्तों फिलहाल डाउन चल रहा है, शेयर जो है उतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है सर विश्वर फोर्स के शेयर में। एक दिन का सर विश्वर फोर्स का जो शेयर है इसमें देख सकते हैं, जो इसने हाई प्राइस बनाया है, एक दिन का जो हाई प्राइस बनाया है जो कि 8.60 पैसे का, ये इसका सर विश्वर फोर्स का एक दिन का हाई प्राइस है। और जो एक दिन का लो प्राइस है दोस्तों 8.30 पैसे का। 52 वीक का हाई प्राइस की बात करते हैं सर विश्वर फोर्स का जो कि 15.55 पैसे का है, और जो 52 वीक का लो प्राइस है 2.19 पैसे का। देखिए सर विश्वर फोर्स के शेयर में इसका जो 52 का हाई प्राइस है लगभग 15-16 रुपये के आसपास शेयर ये पहुंच गया था, 15.55 पैसे के आसपास शेयर ये पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने सर विश्वर फोर्स के शेयर पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए सर विश्वर फोर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, जो कि 822.21 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सर विश्वर फोर्स का। एंटरप्राइज की बात कर वैल्यू की बात करते हैं सर विश्वर फोर्स का जो एंटरप्राइज वैल्यू है जो कि 956.70 करोड़ है। तो सर विश्वर फोर्स में कुछ डेब्ट वगैरह है क्या कंपनी में? देखिए सर विश्वर फोर्स का जो पीई है जो कि 138.16 करोड़ का इसका पीई है। तो अभी कंपनी सर विश्वर फोर्स जो है इसके ऊपर कुछ डेब्ट है दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करते हैं 2.01 है। अभी आप देखिए डेब्ट जो है जो कि 134.61 करोड़ का डेप्ट है सर विश्वर फोर्स के ऊपर दोस्तों। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि सर विश्वर फोर्स का जो है यहाँ पे डेप्ट है। अभी देखिए वन मंथ में सर विश्वर फोर्स में क्या चल रहा है थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। वन मंथ में दोस्तों देखते हैं सर विश्वर फोर्स का जो शेयर है यहाँ पे देखेंगे तो एक ज़बरदस्त तेजी जो है इसमें बनता हुआ देखने को मिला था शेयर में, जब ये शेयर मतलब शेयर जो है सर विश्वर फोर्स का लगभग 9.75 पैसे के आसपास पहुँच गया था। उसके बाद देखेंगे तो शेयर डाउन हुआ है सर विश्वर फोर्स का लगभग, ये शेयर 9.05 पैसा, फिर से शेयर में एक बार तेज़ी जो है यहाँ पे बनाया था 9.25 पैसे के आसपास शेयर पहुँचा था। उसके बाद देखेंगे तो शेयर में यहाँ पे ज़बरदस्त जो है शेयर डाउन हुआ है। तो यहाँ पे शेयर जो है सर विश्वर फोर्स का देखने को मिल रहा है लगभग 9.75 पैसे के आसपास पहुँच गया था। उसके बाद देखेंगे तो शेयर यहाँ पर डाउन हुआ है और 8.30 या फिर अभी जो है शेयर जो है 8.45 पैसे के आसपास, और उसके भी नीचे शेयर पहुँचा है सर विश्वर फोर्स का। अभी सर विश्वर फोर्स का दोस्तों यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग को लेके बात करते हैं दोस्तों, जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 54.91% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास। तो प्रोमोटर्स के पास बोल सकते हैं कि अच्छा खासा एक स्टेक है सर विश्वर फोर्स का जो कि 54.91% का स्टेक है। पब्लिक के पास 44.03% का स्टेक है। FIIs के पास 1.05% का स्टेक है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स बहुत ही स्ट्रांग है सर विश्वर फोर्स का। प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है। कंपनी कैसा है दोस्तों सर विश्वर फोर्स का? देखिए कंपनी को लेके बात करते हैं सर विश्वर फोर्स का, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी, जहाँ पे कंपनी जो है देख सकते हैं शोन ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ इसका सर विश्वर फोर्स का। पिछले 3 साल से हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर देखते तो जो कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 31.59% है पिछले 3 साल से इसका प्रॉफिट वगैरह हुआ है। एंड कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है पिछले 3 ईयर्स से जो कि 17.64% जंप हुआ है। तो बोल सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल से एक ज़बरदस्त जंप हुआ है कंपनी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो एक हेल्दी जो है इसका बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी पोजिशन जो है कंपनी का हेल्दी है दोस्तों, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। करंट रेशियो की बात करते हैं सर विश्वर फोर्स का जो लिक्विडिटी पोजीशन है जो कि 2.01 है।
कंपनी हैज़ अ हाई प्रोमोटर होल्डिंग जो कि 54.91% है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना तो मतलब बोल सकते कि कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग है सर्वेजर फोर्स का। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो देखना चाहिए अगर सर्वेजर फोर्स का शेयर आप खरीदते या बेचते हैं। तो देखिए कंपनी जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि आरओई जो है सर्वेजर फोर्स का जो कि 2.94% है ओवर द मतलब पिछले 3 साल का देखेंगे तो इसका आरओई जो है 2.94% है दोस्तों। लाइबिलिटीज देखिए सर्वेजर फोर्स का एंड इसका जो कैश फ्लो है जो कि कुछ खास नहीं है, यहाँ पे देख सकते 36.37 करोड़ का जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। एंड शेयर जो है EBITDA के हाई प्राइस में चल रहा है जो कि 37.54 है। तो कंपनी का शेयर जो है अभी बोल सकते हैं कि दोस्तों सर्वेजर फोर्स का जो शेयर है फिलहाल बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस इसमें नहीं रखना चाहिए। नेट सेल्स को लेके बात करते हैं सर्विस जो फोर्स का दोस्तों, नेट सेल्स देख सकते हैं इसका जो Q3 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मतलब मिल रहा है जहाँ पे कंपनी का जो नेट सेल्स है वो ज़बरदस्त यहाँ पे जंप हुआ था, 86.53 करोड़ से जंप होकर 98.93 करोड़ हुआ था। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5.82 करोड़ से जंप होकर 7.19 करोड़ हुआ था। अदर इनकम की बात करते हैं सर्विस जो फोर्स का जो कि 1.22 करोड़ से जंप होकर 0.71 करोड़ का हुआ था। वही दोस्तों बात करते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सर्विस जो फोर्स का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि 2.31 करोड़ से जंप होकर 2.65 करोड़ हुआ था दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 1.84 करोड़ से जंप होकर 1.92 करोड़ का हुआ था दोस्तों। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि सर्विस फोर्स का जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे कंपनी का जो Q3 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे कंपनी का सेल्स वगैरह ज़बरदस्त जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेल्स जंप हुआ है Q3 24 का जो इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसमें देखने को मिल रहा है। सेल्स जो है ज़बरदस्त जंप हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है थोड़ा बहुत जो है डाउन होता है और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि दोस्तों क्या हुआ है सर्विस फोर्स के प्रोमोटर्स की ओर से। क्या देखिए सर्विस फोर्स के प्रोमोटर्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सर्विस फोर्स ने क्या किया यहाँ पे अनाउंस किया है फ्री सीट डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोल सकते कि हाई क्वालिटी का राइस सीड से वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है सर्विस फूड्स ने एंड गिविंग 200% रिटर्न टू एलोटीज। सर्विस फूड जो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्पावर द फार्मिंग कम्युनिटी, तो फार्मिंग कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए इसको जो असिस्ट करने के लिए सर्विस फूड्स ने हाई क्वालिटी का जो राइस का सीड्स है दोस्तों वो फ्री में दिया है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है सर्विस फोर्स ने किया है यहाँ पे। तो जैसे कि कंपनी में जो है सर्विस फोर्स का जो प्रोमोटर्स है यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा एक स्टेक भी है, कंपनी भी स्ट्रांग है। अभी देखिए कंपनी का रेवेन्यू की बात करते हैं, सर्विस फोर्स का जो रेवेन्यू है उसको लेके बात करते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर्स में जो है कंपनी देख सकते 130.66 करोड़ से इसका जो रेवेन्यू है इंक्रीज होकर 230.52 करोड़ हुआ है। तो पर क्वार्टर सर्विस फोर्स का रेवेन्यू देखते हैं दोस्तों जो कि 16.6% इसका जो है रेवेन्यू जंप हुआ है, इनके मतलब रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुआ है दोस्तों। वही बात करते हैं कंपनी में जो सर्विस फोर्स है इसमें देख सकते हैं रिटेल जो शेयर होल्डर्स है दोस्तों, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 42.50% का स्टेक था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने जो है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करके 44.03% का स्टेक किया है दोस्तों। कंपनी का सर्विस फोर्स का प्रॉफिट को लेके बात करते हैं, कंपनी का जो कि पिछले 6 क्वार्टर का प्रॉफिट देखते 1.47 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 4.92 करोड़ हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो है यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 19.8% के आसपास यहाँ पे पर क्वार्टर जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है सर्विस फोर्स का। अभी यहाँ पे सर्विस फोर्स का जो FIS है दोस्तों, FIS के पास देख सकते हैं जो कि 2.59% का स्टेक था FIS के पास, FIS ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 1.05% का स्टेक किया है दोस्तों सर्विस फोर्स में। तो अभी सर्विस फोर्स का बोल सकते कि कंपनी जो है अभी यहाँ पे हो सकता है कि देखिए अभी इसका हो सकता है कि आगे चल के यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले एक दिन में सर्विस फोर्स के शेयर में, जो लो प्राइस बना है 8.40 पैसे का और हाई प्राइस 8.45 पैसे के आसपास का है। 52 क्या देख सकते हैं जो यहाँ पे लो प्राइस एंड हाई प्राइस देखने को मिल रहा है, अभी 1 मंथ में सर्विस फोर्स का जो शेयर है देख सकते हैं 1 मंथ में इसने लगभग 13.33% जो है शेयर सर्विस फोर्स का शेयर जो है डाउन हुआ है दोस्तों। 3 मंथ्स में बात करते 8.65% डाउन हुआ है और 1 ईयर में बात करते तो 238% के आसपास सर्विस फोर्स के शेयर ने रिटर्न दिया है। देखिए टेक्निकली बोल सकते कि कंपनी का शेयर जो है
सर्वेशन फोर्स का शेयर अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल कंपनी में नहीं रखना चाहिए सर्वेशन फोर्स के शेयर में। प्रोमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है, कंपनी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर रहा है जिसके चलते कंपनी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस आगे चल के ज़बरदस्त जंप कर सकता है, रेवेन्यू वगैरह इसका जंप हो सकता है। आपको कैसा लगता है सर्वेशन फोर्स का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।